टीचर नहीं पढ़ा रहा है, दवा खाने में डॉक्टर नहीं इलाज कर रहा है, पुलिस हमारे पे झूठे केस लगा के फंसा रही है, सारी चीजें सबको पता है लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। जय सदस्यता अभियान के तहत हमने सिर्फ समाज में युवाओं के साथ में वरिष्ठ बुजुर्ग महिला सभी को हम सिर्फ बोलना सिखा रहे हैं कि आप लोग अगर बोलना चालू कर दोगे तो ये हमारी जितनी भी परेशानी है ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक तुम बोलोगे नहीं कि हमारे को ये तकलीफ है तब तक तुम्हारी कोई परेशानी सुनने वाला नहीं है, और सुनेगा नहीं तो उसको सुधारेगा कैसे। आज हमारे जयस के युवा साथियों ने 3-4 मुद्दों पे काम चालू करा है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारा हक और अधिकार। शिक्षा के बारे में सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि शिक्षा अगर तुम तुम्हारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा लोगे या सिखा लोगे तो तुम्हारे को किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसके हक और अधिकार की बात खुद कर लेगा। अगर बच्चा अच्छा से पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो कहीं ना कहीं काम धंधा कर लेगा। लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ा पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ वो गुजरात महाराष्ट्र में जाके मजदूरी करेगा। तो जयेश ने सबसे पहले ये सोचा है कि शिक्षा को कैसे सुधारे, और उसको सुधारने के लिए सबसे जरूरी यह है कि जो सरकार की जो गलत नीति चल रही है अपने समाज में शिक्षा को लेकर उसको सबसे पहले सुधारने की बात है। हमारे स्कूलों, हमारे गांव में, फलिया में, पूरे क्षेत्र में स्कूल तो खोल दिए लेकिन मास्टर रूम की व्यवस्था नहीं करी है। अभी हमने 2 दिन पहले बड़वा मीटिंग से मैं गया था तो वहां जाके जब पता करा तो ये पता चला कि पूरे बड़वानी जिले में, पूरे बड़वानी जिला आदिवासी जिला है, तो उस जिले में 3,500 मास्टर कम है। सेंधवा की बात करूं तो सेंधवा में 106 स्कूल ऐसी है जो स्कूल बनी तो है लेकिन उसमें मास्टर नहीं है। तो स्कूल भवन बनाने से क्या हमारे बच्चों में पढ़ाई के गुण आ जाएंगे या हमारा समाज में सुधार आ जाएगी? नहीं, स्कूल बनी है तो गांव वालों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि उसमें मास्टर की व्यवस्था करवाए। सरपंच को बोले, जनता सदस्य को बोले, या नेता विधायक को बोले, सांसद को बोले, किसी को भी बोले कि स्कूल तो बन गई है पर हमारे मास्टर की व्यवस्था नहीं हुई तो व्यवस्था करके दे। अगर मास्टर ही नहीं होगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनको गुजरात महाराष्ट्र में दाड़की करने जाना ही पड़ेगा। तो सबसे जरूरी यह है कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो वो खुद अपना हक अधिकार मांग लेगा। सबसे जरूरी काम शिक्षा का है जिसपे जय सभी पूरी तरीके से मैदान में आके काम कर रहा है, और सब पूरे पालक शिक्षक संघ की जो मीटिंग होती है, जो बने हुए, जो भी तुम्हारे स्कूल में जो भी बना होगा उसकी भी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं स्कूल को सुधार करें। दूसरी बात स्वास्थ्य की है, तो आज हमारे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में दवाखाने हैं, और बड़ा दवाखाना सेवा में है, सारी चीजें सरकार ने कर रखी है लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं करके दे रहा है। वो लाखों करोड़ रुपए की दवाई आती है लेकिन हमको सरकारी दवाखाने में दवाई नहीं मिल रही है। उसका कारण यह है कि हमारे बीच में बोलने वाला कोई नहीं है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। यहां चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तब जाके तुम्हारी बात को सुनता है कोई। तो आप सभी लोगों से यह है कि क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी चीजें बनी है, दवाखाने हैं, उनमें जाके शायद आपके गांव में भी उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना ही होगा ऐसा लग रहा है, और अगर नहीं होगा तो बाबर में आपका भी बड़ा दवाखाना है। हमारे लोगों में बहुत सारी खान पान की कमी की वजह से बीमारी होती है और सरकार उसके लिए बहुत सारी स्कीम चलाती है लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं है। तो हमारे दवाखाने को व्यवस्थित जाके देखो, दवाई गोली वहां पर मिलती है, अगर नहीं मिले तो अधिकारी से बात करो, वहां अधिकारी नहीं सुनता है तो सेंधा में बात करो, नहीं सुनेगा तो बड़वानी में भी बोलना पड़ेगा। जब ये चीज हो जाएगी तो हमारा जो फालतू खर्चा लग रहा है दवाखाने का, प्राइवेट दवाखाना देख लो तुम आज की तारीख में कि पूरे दवाखाने प्राइवेट वाले एकदम 4-4 मंजिले के बन गए हैं लेकिन हमारे दवाखाने को वहां पर खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासी लोग, गरीब आदिवासी लोग इलाज कराने जाते हैं, तो सरकार कहने को उनको दिखाती है कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर खत्म है, जीरो है। एक उस पर जायज काम कर रहा है जो उसमें सभी समाज का फायदा होने वाला है। तीसरी चीज रोजगार की बात है, तो समाज में आज की तारीख में पूरी तरह से देख लो तुम कहीं पे भी कि सभी के पास, जो गैर आदिवासी लोगों में उनके पास काम धंधा सबके पास है लेकिन समाज के आदिवासी लोगों के पास में किसी के पास कोई धंधा नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं
उन्होंने कभी भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी, कोई योजना नहीं लाए, कोई बड़ी स्कीम नहीं लाए, कोई बड़े कारखाने नहीं लाए कि जिससे हमारे को वही काम मिल जाए। मजबूरी में हमको गुजरात महाराष्ट्र मजदूरी करने जाना पड़ता है जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में दाड़की करने जाएंगे तो बच्चे हमको भी ले जाना ही पड़ेगा, तो उनकी पढ़ाई मारी जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने को रोजगार के लिए भी सरकार के साथ में लड़ना है। चौथी बात अगर मैं बोलूं तो राजनीति के बारे में बोल रहा हूं, थोड़ी सी बात कि देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, सभी का विकास हो गया, लेकिन आदिवासी समाज का सिर्फ विनाश हुआ है। जमीन की अवधि कम होते जा रही है, कहीं ना कहीं रोड बन रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, इसलिए आदिवासी की जमीन को खत्म कर रहे हैं ना। जमीन किसकी रोड बने, आदिवासी की जमीन है। तो ये पूरी तरीके से जो चल रहा है हमारे समाज के बीच में, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज के बीच में से जो नेता तैयार होते हैं, जो जाते हैं, वो समाज के रहते हैं, समाज के वोट लेते हैं, सारा काम समाज के नाम से होता है, लेकिन गुलामी वो पार्टी की करते हैं, कोई कांग्रेस की करता है, कोई बीजेपी की करते हैं, लेकिन समाज की बात कोई नहीं करता। तुम सब देख लो अभी तक जितने भी नेता हुए हैं, उन्होंने सिर्फ उनकी पार्टी की बात करी कि पार्टी का काम करना, पार्टी का काम करना, लेकिन किसी ने समाज के काम करने की अभी तक किसी ने बात नहीं करी है। और वो टाइम आ गया है अब कि अब समाज को सारे मुद्दों के साथ लड़ते हुए राजनीति में भी समाज के लोगों को जाना पड़ेगा, और वो लोगों को जाना पड़ेगा जो सिर्फ समाज की बात करें, क्योंकि पार्टी की बात करते करते तो पार्टी का आगे बढ़ा दिया है, समाज का रहेगा, समाज तो वही रह गए हैं। अब आने वाले टाइम में अगर समाज के बीच में से कोई समाज का जाएगा, जो समाज का खुद मुद्दे, समाज की मुसीबत, समाज की परेशानी की बात करेगा, वो ही समाज का सुधार कर पाएगा, नहीं तो पार्टी की राजनीति करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पार्टी उसका काम करके निकल जाएगी, समाज वहीं रह जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं समाज में, आज की तारीख में देख लो कि पुलिस वाले झूठे केस लगा रहे हैं, सोसाइटी में हमको खाद भी नहीं मिल रहा है, बाहर मार्केट में जाते हैं तो 270 रुपए का खाद हमारे को 600 रुपए में तक मिला है। आज हमने थोड़ा सा एक संगठन, जैसे यहाँ आज हुई मीटिंग, जैसे हमने बाबड़ में रखी थी, कालू भाई हमारे, उन्होंने हमको बुलाया था, मीटिंग रखी थी, और चार दिन के अंदर अंदर वहां पर एक छोटा सा आंदोलन हुआ था और सोसाइटी में खाद आ गया था, नहीं तो सोसाइटी में 1.5 महीने से खाद नहीं आ रहा था। तो ये हमारे समाज के संगठन की ताकत है, और कहीं ना कहीं हमने समाज के मुद्दे उठाए थे, बहुत सारे मुद्दे, अभी लाइट का मुद्दा फिर आने वाला है अपने बीच में, कि अभी तुम्हारे यहाँ पर भी हुआ होगा कि अभी 24 घंटे में लाइट घर घर पहुंची नहीं होगी, मीटर लगे नहीं होंगे, लेकिन बिल आ गया है। अभी थोड़े दिनों बाद अपने को कपास में पानी देना है, गेहूं में पानी देना है, सारी चीजें करना है, लेकिन लाइट अभी से काटना चालू कर दिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज है जो अगर एक जन बोलने पाएगा तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन समाज के पूरे लोग इकट्ठे होकर संगठन बना के जाएंगे तो तुम्हारी आवाज को हर कोई सुनेगा और तुम्हारा काम भी होगा। बस जैसे यही काम कर रहा है कि समाज को जागरूक कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और इकट्ठा करके मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है। जिस दिन समाज ये मुद्दे की लड़ाई लड़ते लड़ते जीत जाएगा, उस दिन हमारे को किसी भी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे बीच में। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप जैसे आज यहाँ पर मीटिंग रखी है, विचार करो, आपस में चर्चा करो, बात करो कि भाई समाज में क्या चल रहा है, राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब पे विचार करो, और बोलो कि सरकार जो बोलती है कि इतना इतना हमने आदिवासी क्षेत्र में कर दिया है, तो जमीन पे तो दिख नहीं रहा है, तो उस बारे में बात करो। जिस दिन तुम ये बात करने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारा सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि सब जन इकट्ठे होकर एक आवाज बुलंद करो और हमारे हक और अधिकार की लड़े लड़ो। जिस दिन हमारा ये सपना पूरा हो जाएगा, उस दिन हम आराम से हमारे हमारे खेत में काम करके भी जीतेंगे। बस आप लोगों के बीच में आया था, धन्यवाद।